आपको अपने बच्चे को नॉनवेज नहीं देना चाहिए। नहीं देने का क्या कारण है? नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जब आप अपने बच्चों को सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को नॉनवेज खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते। आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे को नॉनवेज देने की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हम बच्चों को नॉनवेज दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब बात करते हैं बच्चों को नॉनवेज देने की सही एज क्या होती है। बच्चों को आप नॉनवेज दे सकते हैं। नॉनवेज देने की सही एज होती है 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल से छोटा बच्चा होता है उसका डाइजेशन इतना इम्प्रूव नहीं होता है कि वो नॉनवेज को डाइजेस्ट कर सके। इसलिए 1 साल से कम बच्चे को आपको नॉनवेज नहीं देना चाहिए। 1 साल के बाद आप बच्चे को नॉनवेज स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अपने बच्चों को फ़िश देते हैं तो फ़िश देने की सही एज होती है 4 साल के बाद, क्योंकि जो फ़िश होती है उसमें मरकरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो छोटे बच्चों को देना हानिकारक हो सकता है। इसलिए आपको अपने छोटे बच्चों को फ़िश नहीं खिलानी चाहिए। 4 साल के बाद आप अपने बच्चों को फ़िश स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को नॉनवेज नहीं देते हैं तो क्या उनको ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं है। नॉनवेज खाने वालों को सभी पोषक तत्व मिलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, अगर आप वेज डाइट को अच्छे से लेते हैं तो वेजिटेरियन जो डाइट होती है उसमें ज़्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को नॉनवेज नहीं खिलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सभी ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने बच्चों को शाकाहारी जो खाना है वो सही तरीके से और सही क्वांटिटी में देंगे तो बच्चों को सारे ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहेंगे। आपको अपने बच्चे को नॉनवेज नहीं देना चाहिए। नहीं देने का क्या कारण है? आज की डेट में जहां हम सेव एनिमल्स कहते हैं कि हम एनिमल्स को बचा रहे हैं, वहीं आज हम बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को नॉनवेज देना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें नॉनवेज खिलाना स्टार्ट करते हैं, तो आगे चलकर वो भी नॉनवेज खाएंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो फ्यूचर होते हैं। अगर आप बच्चों को नॉनवेज नहीं देंगे तो वो बाद में चलकर भी नॉनवेज नहीं खाएंगे। आपके और हमारे नहीं खाने से ऐसा नहीं है कि नॉनवेज बिकना बंद हो जाएगा। अगर हम अपने बच्चों को खिलाना बंद कर दें तो आगे चल के ये चीज़ कम हो जाएगी, जो नॉनवेज है वो बिकना कम हो जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि हमें अपने बच्चों को नॉनवेज नहीं देना चाहिए। अगर हम अभी से अपने बच्चों को नॉनवेज देंगे तो आगे चलकर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती रहेगी और नॉनवेज की डिमांड आगे चलकर और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को आपको नॉनवेज नहीं देना चाहिए। इसी के साथ अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।